मेकअप आर्टिस्ट पंजाबन कुड़ी ठोक वजा के ते मैं आ गई थे ठोक वजा के ते एक्नी एक्योर क्रीम दा थाल लेके आई हाँ मैं अज ते मैं अज मैं अपनिया भैनों ते भरावां नूं इंटरटेन करना है ते तुसां मैनूं ए वी दसना है अज मैं कैसी लग रही हाँ। तो एक्नी क्योर क्रीम मैं लैके आई एक्नी क्योर क्रीम का करेंगे रिव्यू स्किन को बनाए वाइट एंड ग्लो एक्नी क्योर क्रीम रिव्यू। तो आज के टॉपिक भी यही एक्नी क्योर का। तो मेरा नाम रियल जो है वो है रिजवान शेह है। तो मुझे बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं जो है ना अपने जेंडर के मुताबिक जी हूँ लेकिन जी नहीं पाया। अब मौका मिला है, डॉक्टरों ने हौसला अफजाई की, अल्लाह ने हौसला अफजाई की, तो मैं जी रहा हूँ। अपनों ने साथ नहीं दिया तो कोई बात नहीं, अल्लाह साथ है, जो डॉक्टर साथ है तो इससे ओके। तो एक्नी क्योर क्रीम का रिव्यू करेंगे और साथ साथ आप लोगों को इंटरटेन करूँगी। मुझे जो है ना बोल बोल के ना लड़कों की तरह हाँ, तो इसलिए आदत पड़ गई वैसे ही बोलने की। तो सब कहते हैं कि ये झूठ है, ये मेकअप आर्टिस्ट नहीं है, मेकअप अच्छा नहीं करता। आज बिल्कुल ही देखें, मैंने हट कर मेकअप किया है, अरे आप लोग देखें। तो अब भी आप लोग ये कहें कि मैं मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, तो मैं एक मेकअप आर्टिस्ट ही हूँ। तो ये टैलेंट किसने मुझे दिया, ये गॉड गिफ्टेड है। जैसे मैं गॉड गिफ्टेड हूँ, गॉड की तरफ से ये टैलेंट है, क्योंकि मुझे किसी सिस्टर जो ब्यूटिशियन में पार्लर चलाती हैं उन्होंने नहीं सिखाया, या किसी भाई ने नहीं सिखाया जो ब्यूटिशियन पार्लर चलाते हैं। अगर मैं उनके अंडर में रहूं तो मैं मज़ीद मतलब आगे जा सकती हूं, अच्छा काम वो मज़ीद कर सकती हूं। अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए कुछ ना कुछ जो ना खुद ही करना पड़ता है। सारी ज़िंदगी कोई बहन या कोई माँ या कोई बाप या कोई भी रिश्तेदार कोई काम नहीं आता। अल्लाह जो है वो हर जगह आपका साथ देता है, हर जगह काम आता है। एक्नी एक्योर क्रीम बेस्ट है, इसलिए मैंने थाल में सजा कर देख कर आई आप लोगों के लिए। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनें कहती हैं जी आप इतनी प्यारा अलग चेंज करती हैं, लेकिन बोलती लड़कों की तरह है। तो आज अपने जो है ना गेटअप के मुताबिक बात करें तो गेटअप के मुताबिक बात करूँगी। व्लॉग में बनाऊँगी आज लंबाई में, तो पहले मैं 3 मिनट का बनाती थी, आज मैं 6 मिनट का बनाऊँगी, आप लोग ज़्यादा मेरे साथ इंटरटेन हो सके और मैं अपने बारे में कुछ और बता भी सकूं। तो एक्नी क्योर के बारे में मज़ीद बात करेंगे, एक्नी क्योर मैंने कब स्टार्ट की और इसके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है। तो नेक्स्ट जो है ना आप लोगों से बातें मज़ीद होती। तो एक्नी क्योर क्रीम के बारे में बात कर रहे थे। तो एक्नी क्योर क्रीम ये बना होती है जी, जिनके चेहरे पर पिंपल्स हैं, ऑयल है और पिंपल जो है पिंपल वहाँ से एक चीज़ होती है, पास वाले पिंपल हैं या फिर उनके चेहरे पर ऑयल नहीं कंट्रोल हो रहा, फुल ब्लैक रंगत है, तो उनके लिए ये क्रीम बेस्ट है। वैसे सिंपल भी जिनके चेहरे पे कोई मसला नहीं वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपको मिल जाएगी जी, पहले तो थी जो है ना सस्ती थी 80 की थी, अब जो है ना 100 की ये हो चुकी है रिजनेबल प्राइस में। मेडिकल स्टोर में किसी भी कॉस्मेटिक स्टोर में ये आपको जो है ना मिल जाएगी। एक्नी क्योर क्रीम है, इसकी मैं पिक्चर भी अपलोड कर दूंगी, सॉरी मैं बीच में भूल जाता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मुझे एक्नी क्योर मैंने लगाई थी 2 साल पहले, मेरी स्किन पर जो है ना बने थे पिंपल्स ऑयल कंट्रोल के लिए और पिंपल के लिए मैंने इसे यूज़ जो है ना किया था। तो मुझे आप बताएंगे तो लुक कैसा लगा और आज की ये क्रीम का रिव्यू कैसा लगा। तो मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ आप लोगों का प्यार और आप लोगों का साथ पाकर। ये बाहर से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, इग्नोर कीजिएगा। तो मुझे बहुत खुशी है। तो लुक देखें, बहुत ही मेहनत भरे ब्लॉग हैं। मुझे बहुत ही खुशी है, बहुत ही अच्छा मेरा आज का गेटअप है और लुक है। तो मुझे इतना ज़्यादा मैं खुश हूँ कि मैं इतना अच्छा मेकअप आर्टिस्ट हूँ बिना किसी की सपोर्ट और हेल्प के बिना।
तो मुझे किसी ने सिखाया भी नहीं, मैं इतना अच्छा काम जो है ना कर लेती हूँ। सॉरी, आई मैं सोनिया मेकअप आर्टिस्ट है, तो रिजवान शेख से सोनिया मेकअप आर्टिस्ट का बन गई, मुझे अपने जेंडर का कब पता चला सारा कुछ। मैं आपको एक लहदा वीडियो बना कर तो वो बताऊंगी। तो मुझे कत्ल करने की कोशिश क्यों की गई जब मैंने खुद को एक्सेप्ट किया, घर वालों सामने रखा, ये सारी चीज़ों की एक वीडियो लहदा बना कर तो मैं यहाँ पर रखूँगी, आप लोग देखिएगा। तो एक्नी की ओर को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एक्नी की ओर बेस्ट क्रीम है और मुझे बहुत ही फ़ायदा भी था, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक्नी की ओर को। तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मुझे अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, और ज़ालिम जो मुझ पर जुल्म करते हैं, मुझे कत्ल करने की कोशिश की, अल्लाह उन्हें दुनिया पर ही इज्जत का निशाना बनाए, आमीन। तो अपना ख्याल रखिएगा और मेरे लिए दुआ कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, तो अल्लाह हाफिज़।